चलिए फ्रेंड्स, आम के मौसम में हम आम से एक और रेसिपी बनाते हैं। आज हम मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद है, और ख़ासकर गर्मियों के में जब आम आते हैं तो एक बार ज़रूर आप इसको बनाइए। एक बार बनाएंगे तो बच्चे बार बार खाने की जिद करेंगे। आम हम कई बार ऐसे ही खा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बदल के चेंज करके आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आम को अच्छे से धो के छील लिया है और उसका पल्प निकाल लिया है। थोड़ा सा पल्प हम ऐसे अलग टुकड़े टुकड़ों में रख लेंगे गार्निश करने के लिए। बाकी पल्प को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कई बार घर में बहुत सारा आम आ जाता है, तो कुछ आम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। अगर आम ज़्यादा पक गए हैं तो आप इस तरह से भी रेसिपी बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। मैंगो शेक और लस्सी वगैरह तो हम बनाते ही रहते हैं, इस तरह से कस्टर्ड बना के रख लीजिए और बच्चों को खाने के बाद दीजिए तो बहुत खुशी खुशी वो खाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पहले दूध उबाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गिलास दूध लिया है, मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ फुल क्रीम दूध लिया है, आप चाहें तो क्रीम निकला हुआ भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद वैसे भी दूध थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। थोड़ा सा हम ठंडा दूध ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच भर के वनीला पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने कस्टर्ड का पाउडर डाल लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए दूध हमेशा ठंडा ही लें, गर्म दूध में न बनाएं, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। इसको रुक रुक के अच्छे से चला लेंगे हम, ताकि इसमें बिल्कुल भी एक भी गुठली ना रह जाए, नहीं तो कस्टर्ड बहुत अच्छा नहीं बनता है। ध्यान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कस्टर्ड को दूध में अच्छे से मिक्स कर लें। और ये रखने के बाद थोड़ा सा नीचे जमता है, तो जब भी इसको आप डालें दूध में तो थोड़ा सा हिला के थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। इस तरह से हमने मिक्स करके रख लिया है। यहाँ पे दूध भी अच्छे से उबल गया है, थोड़ा सा मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया था। इसके बाद आप शक्कर डालें, शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी शक्कर डाल ली है, क्योंकि कभी भी हम ठंडी चीज़ कोई भी बनाते हैं, आइसक्रीम या कस्टर्ड वगैरह, तो वो ठंडा होने के बाद थोड़ा उसमें मीठा कम हो जाता है, तो शक्कर आप अपने हिसाब से डालें। आप चाहें तो बनाने के बाद एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर शक्कर कम है तो डाल भी सकते हैं पहले ही। दूध अच्छे से उबल गया है, अब हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा था उसको डाल देंगे। डालने के पहले एक बार ज़रूर उसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि वो नीचे जम जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कस्टर्ड जब भी डालें तो घोल के डालें, और उसको डालते समय बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके और लगातार चलाते जाएँ, चलाना बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो तली में जाके लगने लगता है तो उसका बहुत ख़राब फ्लेवर आता है। इस तरह से आप लगातार स्पैचुला से चलाते जाएं। यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम हाई है, थोड़ी देर जब तक उसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तो उसको अच्छे से चलाते रहिएगा। थोड़ी देर में वो अपने आप बबल्स बनने लगेंगे और दूध हमारा गाढ़ा होने लगेगा। अब अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं, और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच या 3 चम्मच अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सा ही बनाया है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाया है। बस ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, उसमें अच्छे से बबल्स बन गए हैं, कस्टर्ड पाउडर अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम इसको गैस के ऊपर से हटा लेंगे और अच्छे से ठंडा करेंगे। लगातार चलाते जाएं ताकि उसके ऊपर कोई मलाई या क्रीम वगैरह ना बने। चला चला के इस तरह से हम ठंडा कर लेंगे। अब ये अच्छे से पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क येलो हो गया है। इसके बाद हमने जो आम का पल्प बना के रखा था उसको डाल देंगे, हमेशा ठंडा होने के बाद ही डालें। इसमें हम अलग से फ्लेवर के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आम का खुद ही अपना एक फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कोई भी एसेंस वगैरह नहीं डालेंगे, इलायची या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं रहती कि आम का खुद ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इस तरह से हमने जो पल्प तैयार करके रखा था आम का, वो डाल देंगे और विस्कर की सहायता से अच्छे से उसको विस्क कर लेंगे। धीरे धीरे करके उसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि दूध और आम का पल्प जो हमने तैयार करके रखा मिक्स हो जाए, एक से अच्छे से मिक्स हो जाए।
धीरे धीरे गाढ़ा भी हो गया है। इस तरह से हमने पूरा उसको मिला लिया है। बहुत ही सुंदर कलर आया है। इसके बाद हम एक अलग बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको हम फ्रिज पर रखेंगे, अच्छा ठंडा ठंडा करवाएंगे। 2 घंटे में अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको सर्व करें। ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता और बादाम डाले हैं, और जो आम के छोटे से टुकड़े रखे थे हमने उसको भी डाल देंगे। बस इस तरह से आप इसको गार्निश करके फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसको ठंडा ठंडा खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस गर्मियों में इस तरह से बनाइए और ठंडा ठंडा इंजॉय करिए। आम के मौसम में बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, उसमें से एक ये भी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप चाहें तो इसको पहले से बना के रख सकते हैं, और शाम को भी कई बार बच्चे कुछ ना कुछ मांगते हैं, खाने करते हैं, तो उनको ठंडा ठंडा आप ऑफर कर सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। बस इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए।